रीजंस फॉर इम्बैलेंस ऑफ महावास्तु जोन्स, कोई भी जोन इम्बैलेंस होता है तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि यहाँ ये होने से ऐसा होता है, ये होने से वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियल टेक्स्ट हैं वास्तु के, उनमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, पर वास्तु के जो फॉर्मूलाज बनाए गए, जो नियम बनाए गए हैं, उसका मूल आधार है कि उन अलग अलग दिशाओं के गुणधर्म क्या हैं, पंच तत्वों के साथ उनका क्या कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पे जो कुछ सूत्र निर्मित हुए उन्हीं के आधार पे वास्तुशास्त्र हमारे सामने है। पर जब तक हम वापस उन सूत्रों को नहीं पकड़ेंगे तो हम डिसीजन नहीं कर सकते। तो आपको वो बहुत ही जो पार्स मनी है वास्तु की, वो आपके हाथ में है। अब जहाँ कहीं रगड़ते रहोगे गोल्ड अपने आप बनता रहेगा। तो वो फॉर्मूला नहीं भूलना है कि एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी, जोनल स्ट्रेंथ या रॉन्ग प्रोग्रामिंग को जितने भी प्रतीक हैं, कौन सी दिशा में कौन सा प्रतीक होना चाहिए, उसका शुभ अशुभ वास्तु के ग्रंथों में नहीं है। प्रतिमा लक्षणम नामक एक ग्रंथ है जो कि वास्तु का सहायक ग्रंथ है कि जब कोई मंदिर का निर्माण किया जाता है तो किस प्रकार के आकार, किस प्रकार के पक्षी, कौन सी दिशा में चित्रों की फॉर्म में लगाए जाएं। और उसका मोटा एक्सट्रैक्ट ये है कि आप चेक करें कि कौन से पक्षी का क्या एट्रीब्यूट है। जैसे हमने ईगल और हंस की बात करी, उनका फंक्शनिंग क्या है। ईगल की नज़र तेज होती है और हंस की डिस्क्रिशनरी पावर उसकी ज़्यादा होती है। जब आपको लगे कि ये व्यक्ति की डिस्क्रिशनरी पावर कम है तो क्या उपाय कहाँ पर लगाएंगे। कहीं नहीं मेंशन महावास्तु में हंस कौन से देवी देवता का वाहन है। तो अगर सरस्वती हंस पर बैठी हुई नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। क्लैरिटी ऑफ डिस्क्रिशन, विजडम, एवरीथिंग। पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं और शायद हम लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर वो थंब रूल बन जाएंगे। ये आपने डिसाइड करना है आपको इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या सिंबल्स प्रयोग करने हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर नॉलेज। आपकी किताब में दिया हुआ है कि ये मर्म स्थान हम वर्कआउट कैसे करते हैं किसी भी स्पेस में। अगर एक स्क्वेयर शेप बिल्डिंग है तो उसमें किस प्रकार से हम लोग डायगोनल खींच के ये मर्म स्थान वर्कआउट करते हैं। महामर्म स्थान जो है वो ऑरेंज कलर में है, डायगोनल्स पे होते हैं और ये केंद्र में होते हैं। ये देखिए 8 यहाँ हैं और 8 ये डायगोनल्स पर हैं। इनके ऊपर अगर कोई भी कील लग जाए, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट वाले, तो वही रीढ़ की हड्डी अटैक हो जाती है आदमी की। केरल से कौन है, हू इज फ्रॉम केरल, नहीं है कोई। वो केरल में मार्शल आर्ट्स में है ना, देयर इज वन टेक्निक दैट इफ यू पंचर दैट पार्ट तो वो आदमी की 6 महीने बाद डेथ हो जाता है, सुना है ना। तो वो मर्म स्थान, शरीर के मर्म स्थान के बारे में सीक्रेट नॉलेज केरल में है सिर्फ, वास्तु में भी ये सीक्रेट नॉलेज है। पर रियल लाइफ में मैंने क्या देखा है कि अगर इनमें से कोई भी जगह वेधित हो जाती है तो उसी अंग में प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट वाले जो मर्म स्थान हैं, अगर ये वेधित हो जाते हैं तो घुटनों में दिक्कत होती है। और वो जो महामर्म स्थान सेंटर में है, वो पेट के हिस्सों में वो अंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब वो मर्म स्थान डिस्टर्ब हो जाते हैं। कील लगा दिया कोई या वहाँ पर पिलर्स आ गए। आम तौर पे बिल्डिंग्स जब बनती हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लान में अल्टरेशन होते 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 ये मर्म स्थान सेफ हो जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में है, पांव साउथ वेस्ट में है, एक घुटना साउथ ईस्ट में है, एक घुटना नॉर्थ वेस्ट में है, जैसे एक उल्टा व्यक्ति लेटा हुआ हो घुटने इकट्ठे करके और पैर यहाँ सर वहाँ, कोहनियाँ और घुटने नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में, तो जिस अंग पर मर्म स्थान आ रहा है वो मर्म स्थान वेधित होने से उस घर में रहने वाले लोगों के ठीक उसी अंग में प्रॉब्लम होगी। तो सिम्टम से ही पता लगाना है कि कहीं मर्म स्थान तो डिस्टर्ब नहीं है। और अगर वहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ यूजली कोई कील लगा होगा,